हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में दो बैंक मर्ज होने वाले हैं, जो कि विजया बैंक है, एक दूसरा दीना बैंक है। और दूसरी बात है फ्रेंड्स कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। सो 2 जनवरी परसों को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया था कि विजय बैंक और डीना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज करने के लिए। सो इसका स्वाइप इन रेशियो क्या होगा, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। क्लोजिंग प्राइस था 119 रुपीज 35 पैसा, विजय बैंक का था 51 रुपीज, सो डीना बैंक का था 17.9 रुपीज। सो जिनके पास भी विजया बैंक के 1000 शेयर्स है उनको बैंक ऑफ बड़ौदा का 402 शेयर्स मिलेंगे, और जिनके पास डीना बैंक के 1000 शेयर्स है उनको 110 शेयर्स ही मिलेंगे। सो बहुत ही नुकसान था और डिस्काउंट पर हुआ था। और दूसरी बात है कि जिनके बैंक ऑफ बड़ौदा का परफॉर्मेंस कैसा होने वाला है वो कि बैंक ऑफ बड़ौदा अभी स्वाइप इन रेशियो क्या हुआ था कि डीना बैंक को 27% डिस्काउंट हुआ था, इसलिए वो शेयर 19% गिर गया था, और विजया बैंक को 7% डिस्काउंट पर स्वाइप इन रेशियो हुआ था, इसलिए वो शेयर भी 7% गिर गया था 3 जनवरी को। सो अभी क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को अच्छा फायदा मिला है क्योंकि उनको स्वाइप इन रेशियो में अच्छा मिला है। और दूसरी बात है कि ब्रोकरेजेस ने कुछ टारगेट प्राइस दिया है फ्रेंड्स, वो क्या है कि मॉर्गन स्टैनली ने बाय रेटिंग दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने बाय रेटिंग दिया है और टारगेट प्राइस 140 दिया है, कोटक ने टारगेट प्राइस 130 दिया है, मॉर्गन स्टैनली ने अंडरवेट दिया है, टारगेट प्राइस 95 ही दिया है, जेपी मॉर्गन ने टारगेट प्राइस 100 रुपीज दिया है। सो अभी क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, मेरी राय क्या है फ्रेंड्स कि जिनके पास भी ये शेयर्स है उनको बैड लोन्स अभी डीना बैंक के थे वो अभी बैंक ऑफ बड़ौदा में आ जाएंगे। सो मेरी राय में अगर आपके पास शेयर्स है बैंक ऑफ बड़ौदा के तो आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाइए, क्योंकि मेरी राय में 1 साल या 2 साल लगेंगे, और जब भी ये शेयर आपको कम दाम में मिलेंगे से 80 रुपीज ऐसा मिलेगा तब आप खरीदे तो अच्छी है। अभी मेरी राय में खरीदना की आवश्यकता नहीं है क्योंकि करीबन 1 to 2 years तो लग ही जाएंगे ये मर्जन होना और सभी काम के लिए। सो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिए, और कुछ सब्सक्राइबर्स ने मैंने प्रीवियस वीडियोस तेलुगु में बनाया था, लेकिन कुछ सब्सक्राइबर्स ने बताया कि आप तेलुगु में भी वीडियोस बनाओ, लेकिन मुझे बहुत कम व्यूज मिल रहे थे इसलिए मैं बना नहीं पा रहा हूँ। सो जिनको भी तेलुगु वीडियोस चाहिए उनके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। सो आप मेरे हिंदी वीडियोस भी फॉलो कीजिए जो भी मेरे तेलुगु फॉलोअर्स है। सो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो वॉच करने के लिए, बाय।